हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और स्पेशल वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम किसी वीडियो पे रिएक्ट नहीं करने वाले, तो हमने सोचा आज मैच इंडिया पाकिस्तान के बहुत करीब आ चुका है, तो इस पर थोड़ी एनालिसिस कर लीजिए। आज हम तबसरा करेंगे मैच पर, अपना अन्नाड़ी तबसरा हम करेंगे सीरियसली वन बाय वन। इफ वी स्टार्ट विद इंडियन टीम, पहले तो ये बताओ प्रेडिक्शन इंडिया पाकिस्तान। प्रेडिक्शन मैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि प्रेडिक्शन खेलेगा वो एग्जैक्टली इन दो, अगर हम टीम्स को लेके चले ना तो प्रेडिक्शन नहीं हो सकते। दोनों साइड पे कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ प्रेडिक्शन इसी तरह ही होती है ना, नहीं हो सकती, वो एंड पे करेंगे। अच्छा, पहले बात करते हैं इंडिया की पॉजिटिव। तुम्हारे ख्याल से पॉजिटिव टॉप 3 हमेशा से इंडिया की बैटिंग साइड में? बैटिंग साइड में बैटिंग उनकी हमेशा से बहुत स्ट्रांग रही है, लेकिन एक उनकी ये टॉप 3 जो है स्ट्रांग पॉइंट होने के साथ साथ वीकनेस भी है। जिस दिन मतलब टॉप 3 फेल हो गए तो जो मिडिल ऑर्डर है उस पर कभी इतना प्रेशर पड़ा नहीं है, क्योंकि हमेशा जो टॉप 3 जो थे स्कोर करते थे। तो पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो टॉप 3 को अगर आउट कर सकते हैं तो मिडिल ऑर्डर उनका कोलैप्स कर सकते हैं। और बॉलिंग साइड अगर इंडिया की, बॉलिंग साइड टू गुड, सीरियसली टू गुड। उनका जो एक्स फैक्टर है वो उनके दो स्पिनर्स हैं, कुलदीप एंड चहल। अगर डिपेंड करता है, अगर उन्हें विकेट स्पोर्ट कर लिया था स्पिनर को तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। और बुमराह तो आपको बताइए आजकल जिस फॉर्म में वो है तो उसको रोकना नामुमकिन है। अच्छा, मेरे ख्याल से ना अगर इसी तरह अगर पाकिस्तान की बात की जाए ना तो पाकिस्तान के पास भी ओपनर फरजमान इज की फैक्टर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पिछले एक दो मैचेस से परफॉर्म नहीं कर सका, तो इसलिए मतलब अगर वो चल जाए तो वो वन साइडेड। लेकिन अगर इस टाइम पे हम उसे कंसीडर इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उसे इन फॉर्म नहीं कहा जा सकता। इंग्लैंड की सीरीज में उसने एक दो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उसकी वीकनेसेस बहुत ज्यादा है, वो जल्दी आउट हो सकता है, डिपेंड नहीं किया। एग्जैक्टली, तो इस वजह से जो पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ है वो उनके मिडिल ऑर्डर से स्टार्ट होती है, ऊपर वो 30-40 अगर कर दे बाबर आजम और मोहम्मद हफीज, ये दो की बैट्समैन है पाकिस्तान के लिए। इंडिया के लिए ऑब्वियसली कोहली है, ऊपर रोहित शर्मा है, और दरमियान में क्योंकि इतना ज्यादा मिडिल ऑर्डर और एंड पे इतना ज्यादा टाइम आया नहीं है, इसलिए उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, लोग जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो फेवरेट हमेशा से इंडिया जाते हैं वर्ल्ड कप मैच में, उनकी साइड नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बड़ा डिफरेंट है। सीरीज जो मैचेस जो होते हैं और वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं बड़े डिफरेंट होते हैं। सीरीज में आपने 5 मैचेस खेलने होते हैं, वर्ल्ड कप एक सिंगल मैच होता है, तो ऑन द डे जो अच्छी परफॉर्मेंस देता है वो हमेशा से जीत जाता है। इसकी एक लॉजिकल प्रूफ से भी है मेरे पास, मतलब हमने पहला मैच देखा पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, बहुत बुरी तरह पाकिस्तान हारा वेस्ट इंडीज से। नेक्स्ट मैच जो पाकिस्तान इंग्लैंड का, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, उससे पहले हमारी इंग्लैंड सीरीज हुई हम 4-0 हारे, वर्ल्ड कप मैच में हमने इंग्लैंड को हरा दिया। कल मैच हुआ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का, इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को बुरी तरह हरा दिया, जिनसे हम बुरी तरह हारे। लेकिन इशू पता क्या, पाकिस्तान पे ये वाले फैक्टर्स अप्लाई नहीं होते, अनप्रेडिक्टेबल। ये लोग इंग्लैंड, ये वेस्ट इंडीज से बुरी तरह हार के भी इंग्लैंड को हरा सकते हैं, तो मतलब यही मैं कह रहा हूँ ना, हम इंडिया के साथ कुछ भी हो सकता है। असल में फेवरेट नहीं कहना चाहिए, पॉजिटिव जो ऑब्वियसली एक तो वो विनिंग स्टेक में आ रहे हैं, वो एक मोमेंटम बना होता है, और पाकिस्तान लूजिंग स्टेक के साथ आ रहा है। हम तभी अच्छा परफॉर्म करते हैं जब हम बिल्कुल जमीन दस चुके होते हैं एकदम से जब। लेकिन उसमें यह है ना कि पाकिस्तान ने आज तक इंडिया से कोई मैच नहीं खेला वर्ल्ड कप का, जीता वर्ल्ड कप का, तो ये वाला इशू है। लेकिन अगर पाकिस्तान साइड की बात की जाए तो बॉलिंग में पाकिस्तान मेरे हाथ से इंडिया को टफ टाइम देती है, बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली, आफ्टर आमिर की जो परफॉर्मेंस है ना लास्ट मैच, उसके साथ वो कुछ लोग अब कहना शुरू हो गए ना पुराना आमिर वापस आ गया, क्योंकि ये टर्म बोली जाती है आमिर के बारे में, नया आमिर और पुराना आमिर, तो पुराना आमिर वापस आ गया। अगर आमिर वैसी बॉलिंग करे तो मेरे ख्याल से 5 for 30 after 10 overs तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी, बेस्ट इन वर्ल्ड कप है और बेस्ट इन इस कैरियर भी है इस टाइम पे, तो इसलिए वो एक वो बुमराह को कम्पीट करता है इस टाइम पे, वैसी बॉलिंग करे। एग्जैक्टली, हम उसके मुकाबले में उसे कहा जा सकता है। उसके बाद अगर स्पिनर्स में देखा जाए तो शादाब इज गुड, अगर उसे खिलाया जाता है पिच के हिसाब से खिलाया जाएगा, अगर विकेट स्पिनर को सपोर्ट करने वाले तो शादाब को खिलाया जाएगा। स्पिन डिपार्टमेंट में मेरे ख्याल है इंडियन, उनके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है, उनके पास दो फ्रंट लाइन स्पिनर हैं, उनके पास दो प्योर स्पिनर है, पाकिस्तान के पास एक स्पिनर है और साथ में हफीज है जो कि ऑलराउंडर स्मार्ट पार्ट टाइम में वो 10 ओवर भी नहीं कर सकता उस हिसाब से, तो स्पिन डिपार्टमेंट में दे आर गुड। पेसर में देखा जाए तो वहाब आमिर, ये वहाब एंड आमिर ये दो जो जोड़ी है दोनों की आउटस्टैंडिंग है, दे आर गुड, मतलब एक दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इसलिए विकेट टेकिंग बॉल करते हैं। बॉलिंग में मेरे ख्याल से दोनों टीम्स
टक्कर देते हैं एक दूसरे को बैटिंग में इंडिया स्ट्रांग है। बैटिंग में अगर देखा जाए तो ओपनिंग ऊपर से इंडिया के स्टार्ट बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान का ओपनिंग स्टार्ट और पहले एक दो बैट्समैन उतने स्ट्रांग नहीं है जितने इंडिया के, उस हिसाब से इंडिया बेनिफिट में है। जो शिखर धवन का इंजर्ड होने वाला फैक्टर है उसके मुकाबले में देखा जाए तो पाकिस्तान क्योंकि लूजिंग स्ट्रेक के साथ आ रही है तो वो भी एक मेंटल मैं बता शिखर धवन की रिप्लेसमेंट क्या कौन मुझे नहीं पता ऋषभ पंत लेकिन अगर बहुत सारे अभी क्योंकि मैसेज आ रहे हैं ये लिखा होता है सिर्फ जीतेगा तो इंडिया ही, तो उसके जवाब में सिर्फ इतना ही है कि जीतेगा वो जो उस दिन अच्छा खेलेगा। दोनों टीमें एक दूसरे को टफ टाइम ना के दे सकते हैं बल्कि बुरी तरह हरा, लेकिन मैं इस बात पे श्योर हूं कि मैच बहुत अच्छा होगा, अच्छा कंपटीशन मैच अच्छा होना चाहिए। जीते हारे जो भी वन साइडेड मैच का मजा नहीं आएगा, लोग बड़ी महंगी टिकटें लेके दे रहे हैं और स्पेशल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हम यहां पे स्पेशल स्क्रीनिंग करके देखेंगे हमारा।